नमस्कार दोस्तों, पोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी और जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए अंडे। अंडे आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 2 मीडियम साइज के आलू को पील करने के बाद हम ऐसे लंबाई में काट लेंगे। आलू भी आप चाहे तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक बड़े साइज के टमाटर है, स्लाइस में काट लेंगे हम। और 2 हरी मिर्च को इस तरीके से बीज में से चिरा लगा लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे पतले स्लाइस में काट के। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। साथ ही हम डालेंगे 4 चम्मच दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद सभी चीज़ें अच्छे से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। तो अच्छे से हमें सभी चीज़ें मिक्स कर लेना है। तो देखिए मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। डालेंगे 2 लौंग, 1 तेज पत्ते को 2 टुकड़ा करके डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 1 छोटी इलायची। पहले हम जीरा को फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने मैरिनेट करके आलू अंडे प्याज सभी चीज़ों को। देखिए अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और 3 से 4 मिनट पहले अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से आलू अंडे की सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा खाने में। ना अलग से प्याज फ्राई करने की ज़रूरत, ना ही टमाटर भूनने की। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया और बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से पहले मीडियम फ्लेम में भून लिया है और आप देख सकते हो साइड से जैसे तेल अलग दिखने लगे हम गैस का फ्लेम अब बिल्कुल लो पे करेंगे और सब्जी को ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। लेकिन बीच बीच में खोल के आप बार बार स्पैचुला से चलाते भी रहिएगा। तो तब तक हमें ढक के बनाना है जब तक आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 12 से 15 मिनट हो गए, आलू हमारा अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने लो फ्लेम में 15 मिनट ढक के पकाया है और बीच बीच में खोल के मैंने बार बार स्पैचुला से चलाते भी गई थी। आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बस हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये सब्जी आप एक बार जब तक बना के नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।